समझ गई हो? समझ गई है? नहीं, ये इंग्लिश लिप रीडिंग टैबलेट की है। अच्छा, उर्दू की नहीं। ठीक है, आगे। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम सलाम। हजूर, कुरान शरीफ में है कि मुफलिसी के डर से औलाद को मत कत्ल करो। हजूर, सोमालिया और इथियोपिया में जो बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके मुतालिक इस आयत की क्या तशरीह है? किस आयत की? सूरह अनाम में है कि मुफलिसी के डर से औलाद को मत कत्ल करो। ये किसी जगह बच्चे मरने का इसके साथ क्या ताल्लुक हुआ? कोई भी ताल्लुक नहीं। मुफलिसी से डर से औलाद को कत्ल ना करो कि एक माना ये है कि इंसान इस गरज से बच्चे पैदा करने रोक ले कि बच्चे पैदा होंगे तो उनको रोटी कहाँ से दूंगा, ये दुरुस्त नहीं है। रिज्क अल्लाह ताला के हाथ में है और वो रिज्क का कफील है। और अमरे वाकया भी ये है कि जब बच्चे ज़्यादा हों और गुर्बत हो तो वो कौमें फिर आखिर अमीर हो जा करती हैं, क्योंकि उनके बच्चे हिजरत करके अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। बहुत सी कसरत के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग ये अरब अमारात में गए हुए हैं, इंग्लिस्तान या अमेरिका चले जाते हैं, तो फिर जो अपने घर पैसे भेजते हैं तो उससे उनका गुजारा चल जाता है। दूसरे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो काम में मदद देते हैं, यानी वो बेकार नहीं बैठते। छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनकी वजह से उनका गुजारा अच्छा चल जाता है। तो बहरहाल खुदा ताला के देने के रास्ते बहुत से हैं, तो इस ख्याल से कि खुदा ताला का रिज़्क कम हो जाएगा, बच्चे पैदा करने बंद ना करना। जज़ाकअल्लाह।